कैसे मिले आई हो, मरले बिया माई हो। चढ़ल जवानी बाटे जुबना में पानी बाटे, चढ़ल जवानी बाटे जुबना में पानी बाटे, कब से हम कहतानी तोप तोप, अरे तोप न रे, समान नहीं खेकारे के चुप घोपता। नमस्कार भैया, मैं हूँ सोनू सत्य और आप लोग देख रहे हैं साई न्यूज़ सीरीज। तो चलिए आज हम खास बातचीत करने के लिए मौजूद है, जो कि आप लोग चेहरा देख ही रहे हैं, जो कि नाम बताने की तो बातें नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी गायिका खुशबू उत्तम जी। तो चलिए आज खास बातचीत करते हैं। तो खुशबू उत्तम जी, आप कैसे हैं अभी ये बताइए। एकदम फर्स्ट क्लास हैं और साई न्यूज़ सीरीज के तमाम दर्शकों को खुशबू उत्तम का प्यार भरा नमस्कार। चलिए दर्शकों, थोड़ा सा ये बता दीजिए अपना इंट्रोडक्शन, आप रहने वाले कहाँ से। हम पटना से हैं, पटना बिहार, और पटना ही मेरी जन्मभूमि एंड कर्मभूमि है। चलिए दर्शक को सबसे पहले आप हो एक गाना ना हो ऐसा बेकार एक गाना हो जाए जो आपका फेवरेट हो। मेरा फेवरेट मेरा गाया हुआ या किसी और का गाया हुआ? आपका अपना होना चाहिए। मेरा बहुत सारा गाना हिट है और उसमें से एक गाना है कि बहुत पॉपुलर भी हुआ कि कैसे मिले आई हूँ मरले भी अमाई हो। हाँ। तो ये तमाम हमारे जो भोजपुरी के दर्शक हैं उन सब के लिए। कैसे मिले आई हो मरले बिया माई हो, कैसे मिले आई हो मरले बिया माई हो, की खोलाई हो। जो कि आप लोग गाना ये आप लोग सुने ही होंगे, जो कि यह गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ, जो कि इन्हीं का गाया हुआ था। चलिए सबसे पहले ये बता दीजिए अपना, ये कब से सोचे कि मुझे गायकी करना चाहिए? बचपन से गाते हैं। बचपन से, मतलब कितना दिनों से, किस मतलब? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे जो कि लड़की के लिए, मतलब गायकी करिए बहुत ही हार्ड वर्क होता है गाँव से निकल के, ये थोड़ा दर्शकों को बताए ताकि सीख मिले। गांव से हम बचपन से ही गाते थे, स्कूल कॉलेज में प्रेयर गाया करते थे, प्रार्थना जो होता है। हाँ। तो उसी में मेरी आवाज़ मेरे मैम लोगों को बहुत अच्छा लगा, बोले कि खुशबू तुमको सीखना चाहिए। मैंने नाम चेंज नहीं किया, मेरा जो रियल नेम है वही नेम है। अच्छा, हाँ तो फिर मैम ने कहा कि म्यूजिक सीखो, तो फिर हम ग्रेजुएशन में म्यूजिक ऑनर्स से फर्स्ट क्लास पास हैं, प्लस मैं प्रभाकर डिग्री हम किए हैं, प्रभाकर भी संगीत से है, मतलब दो दो को बीए किए हुए हैं म्यूजिक से, और बस वही म्यूजिक का एक जुनून था। अच्छा, सबसे पहला सॉन्ग आपका कौन था जिससे आपको पहचान मिला मार्केट में? देखिए 2006 से हम गा रहे हैं कंटिन्यू। हाँ। मेरा पहला एल्बम आया था, उसका नाम था बलमा हमार। अच्छा। और उसके बाद 6 साल तक हम बहुत स्ट्रगल किए। उसके बाद एक गाना आता है समियाना के चोप। अच्छा। जो कि बहुत बवाल गाना है, और उस गाने से खुशबू को खुशबू उत्तम बना दिया, और बहुत विवादित भी हुआ लेकिन लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि देखिए लोग जो पसंद करते हैं ना तभी वो गाना वायरल और हिट होता है। अच्छा, लेकिन वो गाना तो थोड़ा सा दर्शकों को एक बार हो जाए तो। चढ़ल जवानी बाटे जुबना में पानी बाटे, चढ़ल जवानी बाटे जुबना में पानी बाटे, कब से हम कहतानी तोप तोप, अरे तोप न रे, समान नहीं खेकारे के चुप घोपता रे, समान नहीं खेकारे के चुप घोपता रे। बहुत ही मतलब विवादित भी और वायरल भी, और वायरल इसलिए कि लोगों को बहुत पसंद आया, शादियों में बजाया उन्होंने, डीजे पे बजाया उन्होंने, और जहाँ जाते थे वहाँ सुनाई, अभी भी सुनाई देता है शादी पार्टी में, बहुत खुशी होती है। अच्छा ठीक है, विवाद यह गाने को मतलब किस लिए किया गया? जबकि फालतू का अश्लील, तो इसका मतलब क्या, इसका ओरिजिनल कंटेंट? ये समियाना मतलब जो होता है ना, समियाना के चोप, चोप वो जो छेद रहता है उसमें जो बांस लगाया जाता है ना, उस चोप को कहा गया है। और समान का मतलब होता है कि जैसे नाच वाच होता है ना, नाच या गांव में, तो कट्टा वट्टा बंदूक उंदूक रखते हैं ना, उसको नहीं कहते कि हमारा पास समान बांटे तो राके ठोक दे। गाने में आपको अच्छा लगा था ये सॉन्ग जो कि? हाँ, हमको तो कोई खराब नहीं लगता है, पता नहीं लोग को अगर खराब लगता तो ये वायरल और सुपरहिट नहीं होता। सही बात है। तो चलिए ये तो होते रहता है, कुछ तुच्छे लोग हैं जिनको ये बुराई दिखाई देता रहता है। तो एल्बम तो चलता है, कभी आप सोचे कि मुझे फिल्म लाइन में भी प्रयास करना चाहिए? फिल्म में बहुत सारे, हीरोइन नहीं बनना है हमको, हम सिंगर ही सही है, भगवान की दुआ से, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से गाने की कमी नहीं है और डेली गाना आता रहता है, तो हीरोइन बनने का कोई शौक नहीं है। तो फिल्म में कौन सा गाना आपका? बहुत सारा, जैसे क्या बोलते हैं, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद,
क्या था बीए पास बहुरिया, बहुत सारा है। अभी एक इनका राजकुमार और पांडे का फिल्म अभी है, कौन सा नाम भूल रहे हैं अभी तो हाल फिलहाल में। हाँ, दोस्ती हाँ। फिल्म का शूट हुआ था। नहीं दोस्ती फिल्म नहीं, इसके पहले वाली मूवी में, लॉकडाउन से पहले वाली मूवी में, नाम याद नहीं आ रहा है। बहुत सारे वो तो नाम भी याद नहीं है। अच्छा आपके फेवरेट गुरुजी कौन है जिनसे आप सीखते होंगे कुछ? मेरे फेवरेट गुरुजी नहीं, गुरु माता है। हाँ। रेखा माथुर जी जिनसे हमने म्यूजिक सीखा है और उन्हीं के आशीर्वाद से आज शायद हम यहाँ पर हैं। अच्छा इंडस्ट्री में अपना आइडियल किसे मानते हैं जिनसे आप कुछ सीखते होंगे? आइडियल भोजपुरी में तो कल्पना जी हैं हमारी, और हिंदी में तो बहुत लोग हैं, सोनू निगम। चलिए जाते जाते अपने दर्शक के लिए फिर से एक साइड सॉन्ग हो जाए। साइड सॉन्ग है हो जाए एक और गाना बा। बेवफा न बुझा हमके बानी मजबूर हो, जान बुझ के राहत नहीं खी तोहरा से दूर हो, कि हम पे कैले बाटे घर भर कढ़ाई ए लभार जी, कैसे हम भेंट करे आई ए लभार जी, कैसे हम भेंट करे आई। चलिए एक और क्वेश्चन मेरा मन में दौड़ रहा है, अब बात करते हैं थोड़ा सा आपकी शादी के रिलेटेड, जो कि आपका शादी तो हो चुका है, लेकिन खुशबू उत्तम जी से आपको कैसे पहचान बना कि आप उनसे शादी हुआ? खुशबू उत्तम तो हम ही हैं। ना यानी प्रवीण उत्तम जी। हाँ उनसे, सॉरी प्रवीण उत्तम जी हमारे साथ म्यूजिक सीखते थे। अच्छा, और उन्हें उसी दौरान वो मिले और बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं हमको। तो कैसे आपको लगा उनसे शादी कर ही लेना चाहिए? क्या अरे प्यार सबसे पहले प्यार अंधा होता है और और शायद मेरे किस्मत में प्रवीण जी लिखे हुए थे तो आ गए। चलिए अच्छी बात है। तो भैया खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे बहुत ही अच्छे गायिका खुशबू उत्तम जी, तो इनका जितने भी गाना आता है आप लोग सुनते रहेगा इनका, सब गाना अभी मैक्सिमम गाना खुशबू उत्तम ऑफिशियल से इनका आता है, तो आप लोग जो भी लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब जाके कीजिए, अभी उसी गाने के शूट पे हम लोग। चलिए तो फिर से मिलेंगे आप लोगों से, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय भारत जय बिहार।